नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुत्तम मंगलं वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थ प्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणि मंगलं कुन्नकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं। नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तलोकानां यजविद्याद् दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता याते भई अरहंताज महान। ओम नमः। शरणान योग में करने की शैली का प्रयोग है। देवशास गुरु की श्रद्धा करो, तत्वों के संबंध में निसंकता करो, भोगों की वांछा मत करो, भोगों की वांछा का त्याग करो करो, ये पुरुषार्थ सूचक लेना चाहिए और निमित्त निमित्त संबंध समझ लेना चाहिए। यहां पर का कर्ता बताना इष्ट नहीं है, यहां तो अपने परिणाम की वो संकेत है। अपने वचनों की संभाल करो, जिन वचनों का आदर करो, देव दर्शन करो 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 की शैली में है। धर्मात्मा के पाप के उदय में अथवा किसी भी जीव के पाप के उदय से होने वाली हीनता मलिनता न्यूनता को देख करके गिलानी मत करो। अपने पाप के उदय में यदि अपने को धर्म कार्य करते हुए कोई सहयोग न मिल पाए तो हतोत्साहित मत हो धर्म कार्यों में। पालन करो का मतलब कैसे समझ में आया ना, लोगों की बातों में मत आओ। सीता जी ने क्या कहा था संदेश में, रामचंद्र जी को संदेश भेजा तो क्या कहा, लोग तो निर्दोष धर्म की भी निंदा करते हैं, उनके वचनों को सुनकर के कहीं धर्म मत छोड़ बैठना। प्रजा का पालन करना, धर्मात्माओं के प्रति अंतरंग वात्सल्य रखना, सत्पात्रों को दान देना, दुखी मत होना, ये सब संदेश दिया था। तो ये अमूल दृष्टि अंग का मतलब समझ गए, लोगों की बातों में मत आओ। लोग जाने क्या क्या कहते हैं, कौन कहते हैं ये भी सोचो। भगवान क्या कहते हैं, जिनवाणी क्या कहती है, ज्ञानी क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, यह बात ध्यान देने लायक है। लोग क्या कहते हैं ध्यान देने लायक बात नहीं। इस संबंध में प्रसिद्ध दृष्टांत छोटा सा आपको याद होगा। बच्चा बीमार हुआ और कड़वी चीज खाने से उसे बहुत तकलीफ होती थी। अब जो है ये इसको ये गोली दे दो, ये काढ़ा दे दो, ये चूर्ण दे दो, अब सब कड़ुए कड़ुए। 10-5 लोग बच्चे के साथ अगल बगल खड़े थे तो एक मजाक सा करने लगा, इसको तो गरम गरम हलवा खिलाओ, गरम गरम बढ़िया हलवा खिलाओ। तो माँ से कहता, माँ माँ बे अंकल जी क्या कह रहे, बेटा तुम्हारी मौत कह रहे, वे क्या कह रहे हैं। अमूर्त दृष्टि का मतलब है लोगों की बातों में नहीं आना। आपको एक लाइन कही थी, देखो लोक की सुनोगे दुनिया लौकिक जीवों की सुनोगे तो लोक में भ्रमोगे,
लौकिक जीवों की यदि सुनोगे, संसारियों की सुनोगे, तो संसार में रुलोगे, संसार में भ्रमोगे। भगवान क्या कह रहे हैं, जिनवाणी क्या कह रही है, ये सुनो। लोग तो ये कहेंगे, इतने कमजोर हो गए, ऐसे हो गए, तुम कुछ नहीं जानते, तुम बहुत जानते हो। लोग ये कहेंगे, ये थोड़ी कहेंगे तुम इन सबसे न्यारे चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हो, सहज ज्ञान स्वरूप हो, ये थोड़ी कहेंगे। तुम काय को इनकी ओर लक्ष्य करके अपने परिणाम बिगाड़ रहे हो भैया, अपनी ओर देख करके परिणामों में उत्साह ला। सबीरे भी कहा था, भैया हित पर दृष्टि रख करके निर्णय करो, इच्छाओं के पर लक्ष्य रख करके निर्णय मत करो। हमारा हित किस में है? जहां भी हम दुखी होते हैं, अगर भीतर टटोल करके देखें, सूक्ष्मता से निरीक्षण करें, तो वहां अपना ही दोष दिखाई देगा। जब तक दूसरे का दोष दिखाई दे, तब तक समझ लेना चाहिए हम गलत सोच रहे हैं, हमारा दृष्टिकोण गलत है। हम बड़े परिणाम खराब होते हैं, यहां परिणाम खराब होते हैं, वहां भी खराब होंगे परिणाम। यहां इनके कारण से खराब नहीं होते, यहां तुम्हारे अज्ञान और राग के कारण से परिणाम खराब होते हैं। अज्ञान और राग को लेकर के जहां जाओगे, वहीं तुम्हारे परिणाम खराब होंगे। दुनिया की बातों में मत आना। अरे लौकिक में आप देख लो ना, जो आएगा हाथ जोड़ेगा आपके, वो कहेगा हमारे यहां चलो, कोई ये नहीं कहेगा अपने को देखो, अपने में रमो, ये कौन कहेगा? ये तो श्री गुरु कहेंगे, हमारे यहां चलो, हमारे यहां चलो, हमारे यहां चलो, तुम्हारे यहां क्या है? कौन ये कहेगा कि अपने स्वरूप में रमो, इनकी बातों में मत आ जाना। नित्य अगर निमित्त भी मानोगे कल्याण में, जगत के कल्याण में, प्रभावना में निमित्त भी अपने को मानोगे, तो नित्य कर तत्व का प्रसंग आएगा, मुक्त मार्ग का अवसर नहीं होगा। ये सब ऐसे ही चलते रहेंगे, जीवन पूरा होगा। ये सब ऐसे ही चलते रहेंगे, जीवन पूरा होगा। हमारे यहां चलो, फिर वहां जाओगे तो वे कहेंगे हमारे यहां चलो, फिर वो कहेंगे हमारे यहां चलो, फिर कहेंगे हमारे यहां चलो। अपने लिए फुर्सत मिल पाएगी? एक टाइम सुनाओ, दो टाइम सुनाओ, तीन टाइम सुनाओ, तुम तीन टाइम सुनाओ, हम एक आध टाइम आ जाएंगे। तुम एक डेढ़ घंटे सुनाओ, हम आध पौन घंटे आकर के सुन लेंगे। अरे रे प्रभु, ये लौकिक जीवों की दशा बड़ी विचित्र है। प्रवचन सार में कुंद कुंद स्वामी कहते, हे साधो, यदि लौकिक जीवों की संगति भी करेगा तो तेरा पतन होगा। हमने आपको कई बात बोल दिए, यदि मोह दुख का कारण है तो मोही सुख का निमित्त कैसे हो सकते? राग दुख का कारण है तो राग की पुष्टि में, राग की पूर्ति में लगे हुए जीव, रागी जीव सुख के निमित्त कैसे हो सकते हैं? अपनी मर्यादाओं का पालन स्वयं करो, अपने को बचा करके रखो, उपगुहन करो, अपनी प्रशंसा खुद मत करने लगो। अरे प्रशंसा करना तो बहुत बुरी बात है, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना। हम कह रहे अपनी प्रशंसा सुनकर के मुस्कराने मत लगो, ये कहते। कोई कह दे बढ़िया, बहुत बढ़िया आया तो बस तो मुस्कराने लगे जब, ये अच्छी बात नहीं है। ये तुम्हारी प्रशंसा नहीं है, शासन की प्रशंसा है, ज्ञान की प्रशंसा है। तुम काट, तुम हो कौन? बहुत छोटे बन करके रहो, हमेशा ये सोचो प्रशंसनीय तो वे हैं जो अपने स्वरूप में रम गए। थोड़ा सा त्याग कर दिया तुम, तुम्हारी अरे बेटा तुम्हारा जीवन क्या पूछना, बढ़िया जीवन तो तुम्हारा है बेटा। अरे आप हमेशा ध्यान रखना, जीवन तो निर्ग्रंथों का है जो प्रचुर से संवेदन करते। कभी मत समझ लेना, ये फूल मत जाना,
दुनिया आपको एक दृष्टांत दिया था, दुनिया लोमड़ी के समान है, अगर उसका स्वार्थ हो तो कांव कांव को गाना कहेगी, मामा रोटी देख ली ना कौए के मुंह में, कहती मामा गाना तो बहुत अच्छा गाते, बहुत दिन से सोना नहीं है, आज तो मन है हमारा। वो कौआ खुल गया और कहा रोटी गिरी, लोमड़ी उठा करके भागी। ये दुनिया लोमड़ी के समान समझो, अगर उसे अपना स्वार्थ से धोता दिखाई देगा तो काव काव को भी गाना कहेगा, और अगर वो वहां तक नहीं पहुंच पाया तो मालूम है काय मोची का बात है, खट्टे हैं वे अंगूर। तुम्हारी बात समझ में नहीं, तुम्हारी नहीं समझ में आ, तुम्हारी काय को समझ में आएगी, समझ में नहीं आती तुम्हारी बात, समझ में नहीं आती हमारे, नहीं आएगी, खट्टे है। विचारना समझना, सम्यक्त के लिए आठ अंग के पालने का उपदेश दिया है, पालन कैसे होगा, दुनिया की बातों में आएगा वो अमूर्त दृष्टि नहीं पाल पाएगा, निर्णय नहीं करेगा खुद का, दूसरे पर निर्णय, तुम बताओ क्या करें, तुम बताओ, बहुत लोगों की आदत होती आप बताओ तो क्या करें, आप बताओ क्या करें, नहीं निसंचित अंग नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना अपना निर्णय दूसरों पर मत थोपना और दूसरों का निर्णय स्वयं मत ओढ़ना, आत्महित पर दृष्टि और इच्छाओं के अनुकूल निर्णय मत करने की कोशिश करना। क्या कहा, इच्छाओं के अनुकूल, हमारा मन ये है, हमारी इच्छा ये है, ठीक है, इच्छाओं के हिसाब से चलोगे, हमारा हित किस में ये सोचो। देखो भाई धर्म मार्ग में समझाने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो, ध्यान रखो। आज ये दशा है समझाने की कोशिश करेगा, वो ऐसा है वो वैसा है वो, अरे क्या तुम्हें काम करना नहीं, मत करो जा, खत्म हो गई बात, समझाने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो, समझ समझने से समझ में आता है, समझाने से समझ में नहीं आएगा। नहीं तो दोपहर को कहा था ना, वो उधर देख रहा है क्या बढ़िया बिल्डिंग है, या क्या बढ़िया लड़की खड़ी है, या क्या बढ़िया चित्र लगा है, पोस्टर लगा, क्या बढ़िया गाना बज रहा है, और वो हॉर्न दे रहा है सुने, अब वो सुनाई नहीं देता, क्यों, कान से सुनाई नहीं देता, कान से ज्ञान नहीं होता, उपयोग से ज्ञान होता, उपयोग तो दूसरी ओर है। ऐसे ही जिनवाणी में क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, सुनाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, उपयोग जब उधर से समझेगा तब यहां सुनाई देगा, तब समझ में आएगा क्या कह रहे, इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। अगर नाक मुंह सिकोड़ोगे धर्मात्माओं को देख करके, औदयिक भावों को देख करके, निर्विचिकित्सा अंग नहीं पलेगा। ईर्ष्या करोगे और ऐसी वांछा हमको मिल जाए, ऐसी मान प्रतिष्ठा हमको मिले, ऐसे भोग संयोग हमको मिले, ऐसी फलाना, निर्विचिकित्सा अंग का पालन नहीं हो पाएगा आपको, वो क्या नाम निर्वांछक अंग का पालन नहीं हो सकता। इधर उधर की सुन करके जो पड़े रहोगे तो क्या अमूर्त दृष्टि का पालन नहीं हो पाएगा। भीड़ के दर है ये मत देखो, सत्य के दर है ये देखो, सत्य को संख्या की जरूरत नहीं है, और जो संख्या को देखता है वह भीड़ वो क्या नाम सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता। जो संख्या को देखेगा, संख्या की ओर जिसकी नजर है वो सत्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हम कर्णन योग से कहें अगर आपको तो ये समझो बहुमत अज्ञानियों का होता है, जितने आज तक से दुए उसकी अनंत गुने तो एक आलू के टुकड़े में है, अब कहां तक बहुमत हो, कहां तक बहुमत होगा बता, ये बहुमत का मार्ग ही नहीं है, ये तो रत्नत्रय मार्ग है, जवाहरात की दुकान है,
बेचने वाले भी थोड़े, दुकानें थोड़ी होती हैं, बेचने वाले भी थोड़े हैं, खरीदने वाले थोड़े हैं, पहनने वाले थोड़े हैं, सब थोड़े थोड़े हैं। बिरला जाने तत्व को, बिरला तत्व सुनंत, बिरला धारे तत्व को, बिरला श्रद्धा बन। कई बार वहां बहुत भीड़ थी, हमने कहा भीड़ में खो मत जाना, भूल मत जाना अपने को, ये याद रखना सारे विश्व में आप अकेले हैं। सारे विश्व में आप अकेले हैं, केवल अहम इक्को, अहम इक्को, अहम इक्को। लेकिन घबराना नहीं, आगे पूरा कर दो। अकेले तो हैं, अधूरे नहीं है, असहाय नहीं है, असमर्थ नहीं है। सुखी होने की सामर्थ्य हम में है, बिना किसी के हम सुखी हो सकते हैं। और जो जीव सुखी होते हैं वो बिना किसी की ओर देख करके ही सुखी होते हैं, बिना विषयों के ही सुखी होते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलताओं की ओर देखने वाले जीव कभी सुखी होते ही नहीं। स्थितिकरण अंग का पालन करो। कैसे करो पालन? जैसे तैसे ग्रहण करो, जिस प्रकार से, उपदेश से, सेवा से, सहायता से, सहयोग से, जिस प्रकार से उसे ग्रहण करो। इसी प्रकार अपने परिणामों को क्या करें, वो परिणाम नहीं टिकते, परिणाम बिगड़ते हैं। अब क्या करें, क्या करें? अरे जैसे तैसे ग्रहण करो, ये सोचो अपना हित किसमें है। क्षेत्र परावर्तन में कौन सा क्षेत्र है जहां नहीं गए हम? कौन से काल में जो जन्म नहीं लिया, चौथे काल में भी अनंत बार जन्म लिया? कौन से संयोग ऐसे हैं जो नहीं मिले? किनकी चाह कर रहे हो? बजदन चक्रवर्ती के पुत्र पिताजी से क्या कह रहे? अहो तात तुमरे पर साथ, भोगे भोग जो बेमर्याद, भोगों की अब नहीं चाह, भोगन में भूले शिवरा। हे पिताजी, आपकी कृपा से, एक व्यवहार की बात है, लोक व्यवहार की, आपके राज्य में खूब मनमाना खाया पिया पहना ओढ़ा बात करी, आप बिना बेमर्याद भोग माने खूब भोग भोगे, लेकिन लेकिन भोगन में भूले शिवरा। अब भोगन की नहीं चाह, क्यों? भोगन में भूले शिवरा, इन भोगों में भूल मत जाना। बढ़िया भोजन, चटपटा, अच्छा खटपटा, मीठा खट्टा, जो तुम्हारी रुचि का था, और झपट पड़े। अरे नहीं नहीं, ये मत भूल जाना, नहीं हमारा ये जड़ भोजन। सवेरे सोते जल्दी जल्दी चाय नाश्ता में लग गए, नहीं पहले दर्शन बाद में भूल, भूल मत जाना। पहले स्वाध्याय बाद में भोजन, पहले दान बाद में भोजन, संयम पूर्वक करें हम भोजन, नहीं हमारा ये जड़ भोजन, नहीं हमारा ये जड़ भोजन, ज्ञान मई सम करें तो भोजन। क्यों? कभी आप घूमने गए, बढ़िया बढ़िया घास दिखाई देती है या बढ़िया फसल खड़ी दिखाई देती है, लगता है ये हमारा भोजन है। क्यों? पशु को एकदम लगता है, एकदम नेक मौका चुक गया, घुस जाए खेत में और सबरी चल जाए हम, लगता है। लेकिन आपको कभी लगता है ये हमारा भोजन है? ये पशुओं का भोजन है, तो ऐसे ये पुद्गल का भोजन है। ये नहीं हमारा ये जड़ भोजन, भूल मत जाना, भूल मत जाना। अपने परिणाम को स्थितिकरण करना, स्थित करना, जैसे तैसे दंड करना। वहीं की वहीं ये कपड़ा उलझ गया और यहां फट गया, वहीं से वहीं सीम लिया, अबे नव कपड़ा चल रहा भैया। और नहीं तो अगर लापरवाही से चलो फट गया फट गया, वहीं से और फटता चला गया। करते हैं कि नहीं?
अपना उपयोग, अपना उपयोग अपने में जोड़ोगे तो ही सुखी हो पाओगे। दूसरों के बारे में ज्यादा मत सोचना और दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये ज्यादा ध्यान मत देना। दूसरों के बारे में ज्यादा चर्चा मत करना, जो सामने नहीं है उसके बारे में चर्चा करना बेकार है। और दूसरे हमारे बारे में क्या बातें करते हैं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तत्व चर्चा के लिए हमारे पास समय है, इन विकथाओं से बचो। स्थितिकरण अंग का पालन करो, ये सोचो हमारा परिणाम हमारे स्वरूप में स्थित कैसे हो, लगे कैसे, हटे कैसे, देख तो ठीक ही है, यहाँ कछु नहीं है, वहां फलाना है, जे वो है, जे वो है, यहाँ ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, यहाँ में लगे, वहां में लगे, ये तो बातें तमाम दिमाग में भी आएंगी और ऐसे सहायक भी बहुत मिलेंगे। सवेरे कहा था या दोपहर में, भगवान तो नंगे बैठे, इनके पास कहा है? अरे इन्हीं के पास तो सुखी होने का मार्ग है, यही तो सुखी है। ध्यान रखना, अगर जगत का उपकार करना है तो वीतरागी बनो। वीतरागी जीव भी हितोपदेशी होता है, हितैषी होता है, जगत का उपकार करने में समर्थ होता है। अगर तुम्हें मोह और कसाई की तीव्रता है, उपकार नहीं कर पाओगे। कसाई जीव तो अपना भी बुरा करता है और दूसरे के बुरे होने में ही निमित्त होता है। रोबे और रुलावे मोही दुखी करते, उपगुहन अंग स्थिति अंग का पालन करो, वात्सल्य का पालन करो, प्रयत्न पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, विचार पूर्वक, सावधानी पूर्वक और बोलो उत्साह पूर्वक, हर्ष पूर्वक, क्या करें क्या करें, ये भाषा अच्छी नहीं है। सामने वाला भी जानता है, बड़े का आदर करना सीखो। तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हैं? हमें भी मालूम है, हमें भी मालूम है। परमार्थ से बताएं कि व्यवहार से बताएं, बोलो परमार्थ से बताएं। कुछ भी नहीं कर सकते, कितनी बार कहा हमने, आज नहीं कह रहे, किसी का कुछ भी नहीं कर पाओगे और दूसरों के चक्कर में अपने परिणाम और बिगड़ेंगे, अपना हित करोगे और कुछ नहीं, बंद बांधोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम सोचो न कोई तुम्हारा कुछ कर पाएगा, तुम्हारी उदय से ज्यादा सामग्री नहीं दे सकता और तुम्हारी परिणाम से ज्यादा तुम्हें शांतता नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर पाओगे। अखिल विश्व में कुछ करने के लिए गुंजाइश है ही नहीं और तुम्हें भी कुछ, किसी का कुछ करने की शक्ति नहीं है। अरे अपने परिणाम को भी आगे पीछे नहीं कर सकते। अभी हम कह रहे क्यों तो बैठ नहीं सकते थे, हाँ नहीं बैठ सकते थे, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन चयनानियों की यह शैली नहीं है। कह नहीं सकते थे, नहीं कह सकते थे, ये कथाओं के खेल ऐसे ही है। अरे साहब ऐसे खड़े हो गए क्यों, हाथ नहीं जोड़ सकते कि नहीं जोड़ सकते, जो कथा भी है ना उस कथा की ये नैमित्त क्रिया है, नहीं जोड़ पाओ। बच्चे से कहो सीधे नहीं बैठ सकते, बुझर से फिर खड़ेगा, ये बचपने का अज्ञान का ये स्वरूप है, बालक का स्वरूप है, ये कथाओं के स्वरूप होते हैं। ये कभी अवात्सल्य मत करना, मन में भी भाव मत लाना कभी, तब आप प्रभाव ना कर पाओगे। आज अंग को पालो ये कहा है, कैसे पालो, ये भैया कह रहे थे सब जैसे बच्चे को माता पिता पालते हैं, कैसे पालते बताओ, रुक जा रुक जा, इतनी इतना सरल नहीं है बेटे, कैसे पालता है।
हम ये कह रहे हैं एक पालन पोषण की प्रक्रिया में मानसिक प्रक्रिया सबसे बड़ी होती है। सोच, अगर सोच नहीं है तो क्या पाल पाएगा। अब सर्दी आनी है सर्दी के कपड़े ला, गर्मी आनी गर्मी कपड़े ला, बीमार है तो दवाई ला, भूखा है तो भोजन दे, अब नींद आएगी उसको सोवा, नवाना है, अब पढ़ाई लायक हो गया, अब कहां एडमिट करना है, कापी किताबें कहां से आएंगी, देश कहां से आएगी, फलाना कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, माने सारा दिमाग चलता पूरा का पूरा। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, जो रास्ता चला जाता है वो अकेले पैरों से नहीं चला जाता, अकेले पैर चलते हैं और फिर तुम्हारा यही रह जाएगा, पूरा शरीर चलता है और उससे पहले मन चलता है, और देखा जाए तो पहले दृष्टि चलती है। पैरों से चल करके आ गए क्या, कहने में यही आएगा अकेले पैरों से, पैर कैसे आए, पैदल चले आए, गाड़ी से आ गए, ट्रेन से आए, साइकिल से आए, कहने में ये आएगा, लेकिन मन से आए हो। अगर मन नहीं होता तो सारे साधन रखे होते बिल्कुल नहीं आ सकते। बच्चे का पालन पोषण कैसे कराए, यह आता है मां के आंचल से जो दूध झरता है वो उसकी बात्सल्य का प्रतीक है। ये जिनवाणी का उपदेश हमारे गुरुओं के बात्सल्य का प्रतीक है। उस दिन कहा था ना अक्षीण रिद्धि हो जाती है, जिस दिन उस अक्षीण रस रिद्धधारी मुनराज का आहार हो गए उस दिन आहार अधिक हो जाता है। क्यों, सारे जीवों के प्रति उनका बात्सल्य है। धम्मिक दृष्टि धर्मात्मा की कैसा बात्सल्य, कैसी भावना, मैं तो जिन धर्मी हूं, वज्रकर्ण कह रहा मैं तो जिन धर्मी हूं, मेरी तो ये भावना है तृण मात्र को मेरे से पीड़ा न हो। ये सिंहोदर तो हमारा स्वामी रहा है, ये तो आज हमारा उदय आ गया कर्म का, तो इसने इस उपद्रव किया है, बाद बाकी ये सिंहोदर तो हमारा स्वामी रहा, इसके बंधन अपने हाथ से बंधन खोले। वाह, स्वयं घेरा में डालने वाले के बंधन स्वयं खोल रहा है। जिन धर्मी किसको कहते हैं, ग्रस्त श्रावक की बात है ये, मुनिराजों की तो बात ही अलौकिक है, हम क्या कहें। मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति, मुनि नाम अलौकिकी निष्प्रहता, मुनि नाम अलौकिकी निर्चिकित्सा, मुनि नाम अलौकिकी अमूढ़ दृष्टि, मुनि नाम अलौकिक अलौकिक उपगुहनम, मुनि नाम अलौकिक स्तुतिकरण, वज्रकर्ण क्या नाम कौन से विष्णु देखो अभियाल बताते, भारचैन मुनिराज पुष्पलाल के स्तुतिकरण के लिए स्वयं चल दी महल की ओर। उन्हें क्या चल दी, जाता है तो जा हटो यहां, हम क्या करें, नहीं स्वयं चल दिए और चेलना के महल में पहुंच गए। चेलना सोच रही है लड़का लौट के हो रहा है, काष्ठासन बैठा दिया और सोनासन रख दिया, अब काष्ठासन पर विराजमान हो गए। मां अपनी पुत्र वधुओं को श्रृंगार सहित बुलाओ, ये आज कह क्या रहा है, ये क्या कह रहा है, ऐसे आंखें फाड़ के नहीं देखने लगी, वो बहुत बदल गया, यहां तो सब कुछ बदल गया, बहुओं को देख नहीं रहा। समझ में तब आई जब पुष्प डाल से कहा ले अगर भोगों में सुख दिखता है तो रख जा यहीं, जा भोगों में अगर सुख दिखाई देता तो यहीं रुक जा। ये कोई स्थितिकरण से तरीका है कि हाँ मुनिराज से ज्यादा होगा वितरागी, कैसे स्थित किया है, लेकिन स्वयं स्थित होने की योग्यता है उसी को तो स्थित कर पाएंगे, जिन्हें स्वयं स्थित होने की योग्यता नहीं है उनको कौन लगेगा बताओ। कोई कर्तत्व का भाव नहीं कह रहे हैं, करो जो शब्द है वो पुरुषार्थ सूचक है,
परिणाम की ओर संभालने की बात है, ये कर्तृत्व मत इसमें से निकालना कल। संवेगाधिक का पालन करो, कैसे करोगे पालन बोलो। संसार के भोगों से भयभीत रहो, सावधान रहो, उनकी बात भी मत सुनो। ए बच्चे, बच्चा सोता है ना, और जरा वो कहे तो माँ कहे ए सिपाही आ गया, तो आंख बंद कर दे, डर लग गया ना, सो जा, सिपाही आएगा, खाले हवा ले आएगा, बंदर आया। अब वो डर गया ना एकदम, और डर करके वो जो माँ की बात मान ली, तो ऐसे ये संसार में रुलेगा, दुर्गति में चला जाएगा, बड़ी दुर्दशा होगी, और बस वो संसार दे भोगों से जिनवाणी की बात मानने को तैयार है। संवेग अंग कैसे पालेंगे, भोगों की चर्चा सुनने के लिए बहरे बन जा, देखने के लिए अंधे बन जा, बोलने के लिए गूंगे बन जा। लौकिक प्रसंगों में जहां पाप के प्रसंग हो, वहां अंधे बहरे गूंगे बन जा, बिल्कुल मूर्ख बन जा, जैसा हम कुछ जानते ही नहीं। लेकिन धर्म मार्ग में हमें कभी नहीं मारा, आप बता दें हमें, हाँ मूर्ख मत बनो, ये कुटिलता छोड़ देना चाहिए। कि लौकिक कार्यों में होशियारी है और धर्म मार्ग में मूर्ख। कई बार बच्चे पूछ लेने लगते तो आप बता दो, हमने प्रतिज्ञा करो, हम बताएंगे, कोई माने को बिना बात बिना पूछे कोई काम नहीं करोगे, करो प्रतिज्ञा, हम बताते हैं, बोलो जो तुम्हारे मन का काम है तो बिना पूछे करोगे, और अपने खूब दिमाग लगाओगे, खूब प्लानिंग करोगे, और या हम कोई बात कहेंगे तो कहोगे आप बताए तो बताओ क्या करें, तो बताओ क्या करें। ये तुम्हारी कुटिलता तिरियंज गति में ले जाने वाली है। सावधान, संवेग अंग, संवेग का पालन करो, संवेग का पालन करो माने इस कुटिलता से भयभीत रहो। जैसे शरीर का मोही शेर से भयभीत रहता है, बंदूक से भयभीत रहता है, जहर से भयभीत रहता है, आग से भयभीत रहता है, पानी से भयभीत रहता है, एक्सीडेंट से भयभीत रहता है, अपमान से भयभीत रहता है कि नहीं, इसी प्रकार आप आत्मा हो, अपने को यदि आत्मा समझते हो तो आत्मा का अहित करने वाले इन कथाओं से और इन पापों से भयभीत रहो, इनकी चर्चा भी न करो न सुनो, उनमें प्रसन्नता व्यक्त मत करो। काया से वाह क्या सुंदर रूप है, क्या बढ़िया गाना है, हाँ क्या बढ़िया कपड़े पहने, क्या बढ़िया आज तो बढ़िया जम रहे, क्या बढ़िया बिल्डिंग बनाई है, क्या बढ़िया गाड़ी ली है, अरे तुम्हारा पागलपन हो गया। संवेग अंग का पालन करो, यहां उत्साह सूचक बातें भी मत करो, उत्साह अंदर में उत्साह नहीं है तो बाहर से उत्साह कैसे करोगे। प्रसन्नता व्यक्त मत करो, अनुमोदना भी मत करो पाप कार्यों की, यानी कहां कहां के नए नए शब्द जोड़ लिए, और बस स्मार्ट फटवा जन दसवीं जोड़ लिए सब ठीक है, अब अपन तो समझते नहीं उनमें, बस और समझ वाह, अरे रे प्रभु भयभीत रहो, संसार के भोगों से भयभीत बना, और धर्म धर्म के फल में उत्साह, उत्साह माने अंदर में उत्साह होना चाहिए, उत्साह सूचक वचन बोलो, भक्ति करना उत्साह से करो, पूजा करना उत्साह से करो, दान देना उत्साह से करो, स्वाध्याय करना, ये भी ज्ञान दान है, हम कितनी बार कहते ये एहसान नहीं है, अभिमान की बातें नहीं है, अभिमान से नहीं उत्साह से, ये तुम्हारा ये समझो उत्साह जो है योग्य स्थान पर उत्साह होना, ये तुम्हारा सात्विक गुण है, सात्विक राजसी और तामसी होते हैं ना, ये तुम्हारा सात्विक गुण है। अच्छे कार्यों में उत्साह होना, धर्म कार्यों में, उपकार के कार्यों में, लोकोपकार के कार्यों में उत्साह आना चाहिए,
जब जिनसेन से कहा माने बेटा 6 वर्ष का था, ज्यादा बड़ा नहीं था, जो ज्यादा बड़ा समझती बीच कौन सुन सकते, वे कौन समझ सकते, 6 वर्ष का बालक। मां ये क्या गाना बदल गया है, कल जैसी आवाज नहीं आ रही, ये रोना क्या हो रहा है। बेटा सेठ जी के पुत्र हुआ था, वो मरण को प्राप्त हो गया, मरना क्या होता है। अब बिचारी मां भोली भाली घबराई कि बच्चे को कैसे समझा क्या, अरे बेटा जो जन्मता है सो मरता है, तो मां मैं जन्मा हूं मैं मरूंगा, ये बेटा ऐसी बातें करता है। नहीं नहीं आप बहलाओ मती, जो जन्मता है सो मरता है, और आप झूठ तो बोलती नहीं, तो मैं भी मरूंगा, कोई उपाय नहीं है। इसका उपाय वीरसेन स्वामी के पास है, दिगंबराचार्य थे उस समय वीरसेन स्वामी, तो चलो उनके पास। मुझे तो डर लगता है मरण से, मरण से डर लगता है तो मरण के कारणों से डर लगता है, कुमरण से डर लगना है तो लौकिक जीवों की संगति से डर लगना चाहिए। एक कुसंग में कुमरण होता है, इसीलिए समाधि मन में लौकिक जीवों से परिवारिक जनों से अलग हट करके साधर्मी जनों के बीच में समाधि की जाती है, साधकों के बीच में समाधि की जाती है। ऐसे ही साधना भी आपकी ऐसी है, लौकिक जीवों से हटो जितने हट पाओ। निजवासी और वनवासी संतों का मार्ग है ये, निजवासी और वनवासी संतों का मार्ग। निजवासी अध्यात्म है और वनवासी चरणान योग है। चैतन्य बिहारी और एकल बिहारी नहीं, संग बिहारी, ये साधु संग गुरुओं के अनुशासन में रहने वालों का मार्ग है। हम इतना बता रहे थे संवेग अंग के प्रसंग में, वो मां के साथ बच्चा चला, चलो बेटा कल सवेरे चलेंगे, रात भर सोना मुश्किल कर दिया, सवेरा हुआ नहीं, चलो आप चलो आप। जब चले तो चलते चलते पहुंचे, वे बैठे वीरसेन स्वामी, इतना देखा मां उस लड़के ने जिनसेन ने, और मां की उंगली छोड़ी और दौड़ करके भग पहुंच गया। इसका नाम उत्साह होता है। विचार करो वो बालक कैसा, जिसे माता पिता से डर लगे, वो बालक नहीं होगा। वो बालक समझेगा तो डर तो नहीं लगेगा, ये तो निश्चित बात, 100% बात। और डर लगता है तो बालक नहीं होगा फिर। दौड़ करके, मां की उंगली तब तक है जब तक गुरु नहीं दिखे, गुरु का अवलंबन तब तक है जब तक आत्मा नहीं दिखा है, तब तक है। तब पादो मम हृदय, मम हृदय तब पद द्वैलीनम तिष्ठत जिनेन्द्र, क्या लिखा, तावत, तावत माने तब तक है जब तक, ये विकल्प दूर नहीं हुए, निर्विकल्प स्वरूप में स्थिरता नहीं है। जहां मां ने उस बच्चे ने गुरु को देखा, वे बैठे हैं, मां तो धीरे धीरे और दौड़ करके सीधा पहुंच गया, चरण पकड़ लिए, महाराज हमारे पड़ोस में सेठ था, लड़का था, जन्मा मर गया, मेरी मां कहती जो जन्मता है सो मरता है, हमें तो डर लगने लगा, आप उपाय की ज्ञाता हो आप बताइए। ऐसा प्रश्न भी उठ जाए तो भव्य है, ध्वजा को संभालने वाला कौन है, मरण का से भयभीत है, द्रव्य मरण से भयभीत है, अरे भाव मरण से भयभीत है, भाव मरण से जाकर के रुक गया। माने कहा बेटा चलो, कि हम नहीं जाएंगे, काल ले जाएगा मुझे,
मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। मैं तो 6 वर्ष की उम्र होती है। अरे शरीर की उम्र है 6 वर्ष की, आत्मा तो भी है जैसा का तैसा। शरीर छोटा है, ज्ञान थोड़ी छोटा है। भक्ति श्रद्धा थोड़ी छोटी है, भक्ति थोड़ी छोटी है। क्या करके बताओ कैसा रचा पचा। तो धर्म कार्य में हमेशा उत्साह रखो। असफलताएं जो आती हैं, अनादर अपमान झेलने पड़ते हैं, अंतराय होते हैं, कषायों के प्रसंग बनते हैं, वे हमारे अज्ञान से, हमारे उदय से धर्म मार्ग में नहीं लगे होते तो भी ये होता। क्या करें, कोई पूछता नहीं है। अगर तुम घर घर गृहस्थी में होते तो अभी तुम्हें कोई नहीं पूछता, पड़े रहो एक वक्त। भाई जो कर्म है, कर्म है उनका उदय वहां भी तो आएगा, नहीं यहीं आएगा। यहां यदि अंतराय होते हैं तो घर गृहस्थी में भी तो अनेकों दिन अंतराय होते हैं कि नहीं होते। अगर अनंतमति पर उपसर्ग हुए हैं तो अंजना पर भी तो संकट आए, सीता जी पर भी तो संकट आए, क्यों भूल जाते हो। मुंडाजों पर उपसर्ग होते हैं तो जी बताओ, ग्रस्त अवस्था में श्रीपाल को भी तो कितने कितनी आपत्तियां आई। इनका संबंध घर से और बाहर से नहीं है, गृहस्थी और त्याग अवस्था से नहीं है, इनका संबंध पाप पुण्य के उदय से। आगम से देखो, आगम से विचारो, हतोत्साहित मत हो। क्या करें बताओ, कहां तक सहें। जहां तक उदय है वहां तक सहन ही करना पड़ेगा, और सहन करने में हमारा हित है, सहन करने में हमारा हित है। धर्म धर्म मार्ग में हमेशा उत्साहित हो, उत्साहपूर्ण वचन बोलो। चाहे दान का प्रसंग हो, चाहे पूजा का प्रसंग हो, चाहे भक्ति का प्रसंग हो, चाहे स्वाध्याय का प्रसंग हो, चाहे सामवाय का प्रसंग हो, चाहे उपवास का प्रसंग हो, उत्साहपूर्वक आया आया रे प्रसंग आनंद का, पाओ पाओ रे मार्ग निर्वाण का। दशरक्षण पर्व आया, अठाई पर्व आया है। उत्साह अंदर में उत्साह से भर जाओ नाम से है। लाइन आपको याद होगी, यानी याद है कि नहीं पता नहीं क्या है। नाम लेते ही, अरे नाम आते ही लेने की बात भी बहुत दूर है। नाम आते ही दिनों का हर समय संसार भोगों की व्यथा मृत्यु परम। इसका नाम है संवेग नाम का गुण, संवेग नाम का गुण है ये। धर्म कार्यों में उत्साह पूर्वक अंदर में उत्साहित है, ये हमारा कार्य है, ये हमारा सौभाग्य है। आज हम धन्य हो गए, आज हम कृतकृत्य हो गए, आज हम निहाल हो गए। ओ, जिन मंदिर की सेवा करने का हमको मिला, साधर्मी को सेवा करने का, कैसे लिखा होगा, धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी है। जैसे वो महिला का भैया आ गया हो, छोटा बड़ा बराबर का भैया, और खूब हिले मिले जाइए और वो भैया आ गया मन है। बच्चे को भाई या केला लिया, मामा के फलाने की लिया, या फलाना काम करो और भैया बैठो, अब हम जो धर्म, अरे अब हल बना दे। माने धर्म कार्यों में लौकिक कार्यों की अपेक्षा अनंत गुणे उत्साह पूर्वक प्रवर्तन करो। उत्साह के वचन बोलो, हतोत्साहित करने वाले वचन मत बोलो, हतोत्साहित करने वाली चेष्टाएं मत करो। संवेग अंग पालो का मतलब क्या, काय को लगे तुम कागो पागल हो रहे, तुम्हें काले में लेने, ऐसे वचन मत बोलो। धर्म कार्यों में लगे हुए जीवों को भी उत्साहित करो,
धर्म मार्ग में अपने मन को उत्साहित करो, उत्साहपूर्ण विचार करो, उत्साहपूर्ण उत्साह के वचन बोलो और उत्साह की प्रसन्न मुद्रा, प्रथम रस भावे नितरती, प्रथम रस झरता हो मन, कितना उत्साह। आज दूसरा जन्म हुआ है, आज हमारा जन्म हुआ है। लौकिक जीवों को शरीर के जन्मदिन में उत्साह होता है, संयम के जन्म में उत्साह आना चाहिए कि नहीं? वो पागल भी नाचने लगा था, हमारे कितने लोग आ गए, तुम्हें साधर्मियों में हंसना आवे? विचार करो कैसा लगता है, हैं? लड़की का की बारात आती कैसा लगता है? कोई लौकिक पर्व आते कैसा लगता है? तो धर्म कार्यों में, धर्म पर्वों में धर्म की उत्साहपूर्ण प्रवर्तन, संवेग अंग पालना माने समझ गए, उत्साहपूर्ण ही विचार करो, डिप्रेशन उल्टे विचार मत करो, ऐसे कहा हो जाए वो जी बेकल दिए, जी बेकल दिए, जी बेकल दिए, अपन क्या करना, अपन अपन आराम से पहुंच जाएंगे, रेडीमेड बैठ जाएंगे, जी बेकल दी, जी बेकल दी, अपन का मत, अपन का लेंगे को चक्कर हम पड़े अपन। ये शुष्कता की बातें मत करो, सूखा भोजन कर मिलेगा तुम्हें खाने के लिए अगर सूखी बातें करोगे तो, सच्ची बात कह रहे होंगे, निमित्त निमित्त कौन से कर्म बनते आते हो, रोए रोए भी नहीं कटेंगे ये कर्म, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये हो जाएगा इनसे, ये हो जाएगा, हमारा काम हो गया बस, अब हम चले। एक हॉस्पिटल में डॉक्टर था, एक मरीज सीरियस आया तो उसका इलाज, वो हेड आ गया उसका, क्या बोलते हैं, सीएम है, नहीं नहीं सर, वो मुखिया होता है ना, अधीक्षक, अब भूल रहे हम नाम आ नहीं रहा अभी, तो बस वो आया, उसने देखा, देखो डॉक्टर को निर्देश दिया, ऐसा ऐसा करो, सर हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, अब हम जाएंगे दूसरे, ड्यूटी पूरी हो गई, तुम्हारा लड़का बीमार हो जाता तो ड्यूटी पूरी होती, डॉक्टर की ड्यूटी होती है, ड्यूटियों से सेवा होती है। मिस्टर जब तक सवेरे तक ड्यूटी तुम्हारी है, अब हमारा काम हो गया, बस हमें का लेने में, तुम जाना तुम्हारा काम जाना। ये संवेग अंग का घात है, ये संवेग अंग का घात है। हम कहते हैं आप लोग तो धर्मात्मा अपने को माने बैठे हो, और हम भी धर्मात्मा ही कहेंगे, पापी नहीं कहेंगे। एक मजदूर भी दूसरा मजदूर काम कर रहा है, उसे कहा तुम्हारा काम हो गया तो तुम जाओ, अब संग ही संग चले जाएंगे, ने खड़ा रहता है। हमने कई बार देखा है काम होते में, चार मजदूर काम कर रहे हैं, एक का काम हो गया तो अभी वो रुका है, खड़ा है, दोनों कपड़े पहने, अब संग संग चलेंगे, ये छोरा चल दिए, हमें पहली माला फेरने, ये माला क्या फेरोगे, अहंकार कर रहे हो, धर्मात्मा की तिरस्कार कर रहे हो। ये संवेद गुणों का पालन किसका नाम है, समझ गए कि नहीं समझ गए, क्या होता है संवेद, रात भर लगे रहना पड़े तो लगे रहो। हम कहते बीमार नहीं होगे, हम कहते बीमार नहीं, बीमार जितने भी बीमार हैं और बीमार होते हैं केवल गंदी मानसिकताओं से,
गंदी मानसिकता रोगी होने में प्रबल कारण है। भगवंतों की भक्ति, जिनवाणी का स्वाध्याय, साधनी जनों की सेवा है, ये बीमार करने वाली है तो पुण्य के कहां है? पाप के वजह से बीमारी होती, पाप के परिणाम से बीमारी होती है, पुण्य से बीमारी नहीं होती। धर्म से तो बीमारी होने की बात ही नहीं है। प्रसन्नता मिलेगी तुम्हें, लेकिन प्रसन्न मन से करोगे तो प्रसन्नता मिलेगी। अगर सही सोचोगे तो प्रसन्नता मिलेगी, और अगर तुम्हें प्रसन्नता नहीं मिलती है तो समझ लेना चाहिए हम गलत सोच रहे हैं। हमारा सोच गलत है, निगेटिव है। संवेग अंग का पालन करो, समझ गए? जैसे लौकिक कार्यों में जेला मैंने उत्साह पूर्वक प्रदर्शन करते हो कि काम करते हो, बताओ। अरे कोई सभा भी करोगे हैं, एक को मुख्य अतिथि बना लिया हैं, और तुम अपने इस काम में लग जाओगे तब फिर पहुंचोगे, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? तो कह दो क्या करें, मुंह लग जाते तो यहां नहीं कर पाते, बोलो क्या कहोगे बताओ, कैसे कहोगे? तुम भैया यहां संभालना, हम वहां जा रहे, टाइम हो गया, या तुम चले जाओ और ऐसे पूछें तो ये बता देना, ये हमारी बात करा देना। निगेटिव सोचोगे, निगेटिव बोलोगे, निगेटिव करोगे तो क्या होगा, नीचे गिरोगे। सम्यक दर्शन नहीं होगा ये कहने का मतलब है, और होगा तो नष्ट हो जाता है, छाया छोड़नी है। मद धारे तो यही दोष बस समकित को मल छाने, मलिन करने वाला है, घात करने वाला है। और ज्यादा मैल जो होता है कपड़े को गला देता है, याद है मेरा कपड़ा रख दो उठा करके, थोड़े दिन बाद ऐसे थे वो ऐसे हो जाते थे, छूते वही खत्म होगा। विचारना बहुत गंभीर तत्व है, गंभीर शासन है, खेल खिलौना नहीं है ये, भगवान का शासन है भाई। संवेग अंग कैसे पाला जाएगा, प्रसन्न अंग कैसे पाला जाएगा? प्रसन्न कैसे पालोगे? विचारना, विचार करके बैठना, कसायों के प्रसंग में मौन हो जाओ, अपने मन को समझाओ, अपना दोष देखो, तपश्चरण करो, निंदा करा करो, उनको जीतने का प्रयास करो, तब प्रसन्न अंग होगा। प्रसन्न अंग किसको कहते हैं, परिभाषा बोलना प्रसन्न की। बोलना और बोलो, ठीक है ठीक है, और बोलो कुछ विशेष। खूब बढ़िया रटाई करी, ऐसा थोड़ी नहीं रटी है। मिथ्यात और अनंतानुबंधी कषाय के अभाव पूर्वक शेष कषायों की मंदता होना, ये प्रथम गुण है। इस द्रव्यान योग का सत्य की परिभाषा हो गई, हो गई कि नहीं हो गई? क्यों, यहां स्वरूप बता रहे, फिर उसकी प्रथम रस को कैसे पालोगे? प्रसंग को कषायों की तीव्रता से अनेक प्रसंग आएंगे हैं। मुनिराज ने कहा, बेटी जब तू जाएगी, तेरा पिता इन व्रतों को छुड़ाएगा, तो तू मेरे पास आना। ऐसे ही क्रोध के प्रसंग बनेंगे, उस समय में क्रोधी मौना मौन रहना, अपने मन को सहना, समझाना, सहे क्यों नहीं जी रहा, ये कर्म पूरब किए खोटे, ये चिंतन करना। तुम लड़ने मत बैठ जाना, तार जवाब मत देना, कुतर्क मत करना, सफाई मत देने लगना, तुरंत गलती स्वीकार कर लेना, पांव पकड़ लेना। प्रसंग मन किसको कहते हैं?
प्रसंग अंग को कैसे पाला जाए, क्रोध के प्रसंग में, मान के प्रसंग में, का है कछु तो नहीं है, किसका मजा आ रहा बोलो। सावकाचार्य जी की वचनिका में इसके कितने चिंतन दिए आप, इन आठ मदों को कैसे जीता जाए। अनेक बार नीच कुल में जन्म हुआ, एक बार उच्च कुल में जन्म हुआ, उच्च कुल का अभिमान नीच कुल में ले जाने वाला है, उच्च कुल का पावना तो तब सफल है जब उच्च आचरण किया जाए, कितनी बातें लिखी। ये छयोपशम क्या छयोपशम है हमारे, एक श्लोक की टीका कितनी करी है। वर्तमान में छयोपशम ज्ञान की, सर्वज्ञ ज्ञान की बात तो अलौकिक है, सहज ज्ञान की तो बात अलौकिक है, लेकिन छयोपशम ज्ञान की वर्तमान की बातें कितनी है, एक कितनी कितनी टीकाएं लिखी, कैसी व्याख्या करनी, एक शब्द की 20,000। एक मंगल देवागम स्तोत्र के मंगलाचरण पर ही पूरा पूरा ग्रंथ। क्यों भाई बोलो, एक तत्वा सूत्र की कितनी बड़ी टीका, श्लोक वार्तिक राजवार्तिक वगैरह देवो कितनी, क्या छयोपशम का अभिमान करो, अपने मन को समझाओ, प्रथम रस का प्रथम को पालन करो, प्रथम गुण का पालन करो, अनुशासन का पालन करो, जैसे होता है नियमों का पालन करो, होता है ना, टाइम पर आओ, याद करके लाओ, ड्रेस पहन करके आओ, प्रचार के नियम है, पूजा के नियम है, तो आराधना के भी कोई नियम होंगे कि नहीं होंगे, भोजन करने के भी कोई नियम होंगे कि नहीं होंगे, वैसे ही अनर्गल होगा, स्वाध्याय के भी कोई नियम होंगे कि नहीं होंगे, प्रथम रस का प्रथम गुण का पालन करो, करुणा गुण का अनुकंपा गुण का पालन करो, अब समय नहीं है हम आप विचार ना, आस्तिक गुण का पालन करो, माने उस श्रद्धा को बराबर टिकाए रखो, मजबूत बनाए रखो, ये तो गंदो हो, फिर कुछ बात सफाई रखो, सफाई रखो का मतलब गंदगी ना हो पाए, तुरंत साफ करो, ऐसे ही अपनी परिणति में इन गुणों का पालन करो, माने उन दोषों को तुरंत की तुरंत हटाओ, रात भर नहीं बीतना चाहिए, हमारे गांव में वैसे ही कह देते थे रात गई बात गई है, संध्या की बात सवेरे लोग कैसे तुम रखे रहे, विचार करने बैठोगे तो तुम्हें हर दुख के प्रसंग में तुम्हारा ही दोष दिखाई देगा, और उस दोष को दूर करने में तुम स्वयं समर्थ हो, दूसरा कोई समर्थ नहीं, और दोषों को दूर करने में ही हमारा हित है, हित है, दोषों को पुष्ट करने में छिपाने में हमारा हित नहीं है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए, ये दोषों का ज्ञान जो कराया है दोषों के छोड़ने के लिए और गुणों को ग्रहण करने के लिए। एक सीसी फूलिया आपको दृष्टांत दिया था गिर करके है, तो उसमें गोली जो रखी है उनको तो रखोगे और कांच उठा करके भी एक साइड में डालोगे, किसी के लग न जाए, करोगे कि नहीं करोगे, ऐसे ही दोषों को उपभूवन करोगे, गुणों का भी उपभूवन करोगे, गुण हमारे निकल करके बाहर न फिक जाएं, गुणों की प्रशंसा से गुणों का नाश होता है और दोषों की निंदा से दोषों का नाश होता है, गुणों की प्रशंसा करने पर है गुणों का नाश होता है और दोषों की निंदा करने से दोषों का नाश होता है, जाकर के दोषों की निंदा करा करो, ऐसे पाले जाएंगे ये गुण। चरणान योग में सम्यक दर्शन के लिए ये उपदेश दिया है, निशंकता को पालन करो, मतलब निर्णय करो कोई बात की, एक जीवन में भी आदत बना लो, कहीं भी कोई शंका का प्रसंग बनता है निर्णय करो, अधिकृत रूप से निर्णय करो, आप भ्रमित नहीं होंगे कभी भी, परेशान नहीं होंगे आप कहीं, इधर जाए इधर जाए, किसी भले आदमी से पूछ लो,
क्या करें, आज खाएं कि नहीं खाएं, वैद्य से पूछ लो। ऐसे ही आप किसी भी प्रसंग में निर्णय करने की आदत डालोगे, निर्णय लेने की अगर क्षमता नहीं होगी आप कहीं सफल नहीं होंगे, और निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर लेंगे आप तो ये समझ लेना कहीं असफल नहीं होना। निर्णय के बल पर निशंक होता है तब स्वानुभव का पात्र होता है, और स्वानुभव के बल में शंका होती ही नहीं है। जब स्वानुभव हुआ फिर तो शंका होने का काम ही नहीं। विचारना सहजानंदी शोध करूपी अविनाशी में आत्म इच्छाओं के अनुसार चलने से पतन ही होता है, और हित का विचार करें तो पतन से बचते हैं, उत्थान होता है।